माधव ना सोया है, तो इस बीच हम लोगों ने सोचा कि चलो यार पीछे चलते हैं, और पीछे जाके कुछ काम है जो कर लेते हैं, जो हम लोग ना कर नहीं पाते हैं ये सारा काम, और थोड़ा गार्डनिंग की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। थोड़ा बहुत बहुत मन करता है कि फूल पौधे लगाऊं करके, लेकिन हो ही नहीं पाता है माधव के चक्कर में। माधव आके परेशान कर देता है इस वजह से। तो वो सोया है तो सोचा कि चलो आज ना थोड़ा सा यहाँ पे साफ करके थोड़ा सा खाद दे दूंगी, और इसमें काफ़ी अच्छा फूल हो रहा है, अभी फूल का टाइम है, तो इसमें थोड़ा सा डाई वगैरह दे दूंगी ना तो काफ़ी अच्छा फूल होगा, पानी भी डाल दूंगी मैं एक साथ। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं डाई दे रही हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार मेरे से ना अकेले अकेले हो नहीं पा रहा है, आप भी आ जाना। खुरपी के हेल्प से मैंने कर दिया है, और ये सारे ना बड़े वाले फूल होते हैं ना गेंदे के, वो वाले हैं मुझे लग रहा है। एक ही मैंने देखा है जो इसमें बड़ा गेंदा हुआ है, देखो ये वाला, और मुझे लगता है ये सारे ही शायद वो बड़ा गेंदा है ना वही वाला होगा। और मेरे पास ना सूखा गेंदा है अभी भी, जब मैं गई थी बाके बिहारी तो वहाँ से मुझे ना माला दिया था, तो वो फिर मैंने ना संभाल के रख दिया था ठाकुर जी का वो माला। तो फिर मैंने सोचा कि वो ना कहीं पे बीज फेंक के रखूँगी तो फिर उसे फूल हो जाएगा, तो फिर वो ना अभी भी वहाँ का वहीं रखा है। मैं तो एकदम से भूल गई थी कि इसका बीज मेरे पास है करके। क्या मुझे अभी लगाने से क्या अभी मुझे छोटा छोटा बीज मिलेगा क्या, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से एक बार पूछ लूँगी कि अभी अगर वो बीज बोया तो होगा क्या। मुझे लगता हो जाएगा, तो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, अभी कहीं पे साफ़ करके फिर मैं सारा बीज बो दूँगी। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ लग गए हैं, क्योंकि मैं अकेले ना कर नहीं पाऊँगी, और माधव उठने का भी टाइम हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 5, और 5 बजे मैं देखो यहाँ पे पीछे काम कर रही हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ का काम करने में। मुझे बहुत मज़ा आता है गार्डन का काम करने में। और फिर मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे एक सदाबहार का पेड़ लगाया था, तो इसको भी थोड़ा सा मैंने खोद दिया, और इसमें थोड़ा सा मैंने ना डाई भी मिक्स कर दिया है, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, देख लेना। और ये ना बहुत खाद का मिट्टी है, एकदम प्योर खाद होता है ना वो वाला मिट्टी है, जितने भी ग्रीन बैग में हमने लगाया ना वो सारे खाद की मिट्टी है। और फिर मैंने यहाँ पे चंपा को थोड़ा सा ठीक करने के लिए कहा, क्योंकि चंपा भी थोड़ा सा ना ख़राब हो रहा था, तो फिर मैंने कहा कि इसको भी थोड़ा सा डाई वगैरह दे दो। और ये खाट ना ऐसे ही पड़ा है यार, ये मुझे किसी को दे देना है, क्योंकि ऐसे रखूँगी ना तो फिर हमारे यूज़ में भी नहीं आएगा और किसी के यूज़ में नहीं आएगा, तो इस वजह से मैं किसी को ना दे दूँगी, सबसे बेस्ट होगा। देखो कितना सारा फूल पौधा है यहाँ पे साइड में लगे हुए। फूल का पेड़ लगाने का बहुत मन करता है, लेकिन ना ये संभालना नहीं होता है। क्या होता है कि मन तो बहुत है लेकिन टाइम नहीं दे पाते हैं हम दोनों, इतना काम रहता है, माधव रहता है, तो इस वजह से ना हम गार्डन में टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत लोग मेरा ये प्यारा सा गार्डन, जंगल वाला गार्डन उनको बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और आप मेरे पास इतने तरह तरह के फूल के पेड़ है ना, आप लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि ये पूरा जंगल टाइप का है, इसलिए दिखता नहीं है। तो अगर मैं इनको साफ़ करके अच्छे से लगाऊँ ना तो आप लोगों को दिखेगा, तो आप लोग बोलोगे वाह इसके पास तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फूल के पेड़ हैं। तो अभी जो है ना हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ना अपना जो गार्डन है उसको भी चेक कर रहे थे, कौन सा पेड़ है कौन सा नहीं। ये देखो कि एक गुड़हल का पेड़ है जो डार्क ऑरेंज कलर का होता है, ये मैं अपने मायके से लेके आई थी, एकदम सिंपल सा छोटा छोटा लेके आई थी, एक या दो, और यही मैंने लगा दिया, और ये देखो पूरा गमला भर गया है। अब इसको ना कहीं पे हैंग कर दूंगी मैं। फिर मैंने अपने पति को बोला थोड़ा बाल्टी में पानी ला दो, फिर मैं इसमें सारे पौधों में पानी दे दूंगी। फिर मैंने स्टार्टिंग में चंपा में दिया, ये चंपा बहुत प्यारा सा है, ये हो जाएगा, बहुत अच्छा फूल खिल लेगा इसमें, मतलब अच्छा शेड का खिलेगा, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। और फिर मैंने इधर गुड़हल में भी थोड़ा बहुत पानी देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा मंदिर के लिए फूल मिल जाए वही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी ना फूल नहीं मिलता है और बहुत दिक्कत हो जाता है, तो इस बार मुझे काफ़ी सारा फूल मिल जाएगा। कहीं कहीं तो अभी तो फूल खिल के ना पेड़ ख़त्म भी होने वाला है, ऐसा भी सीन है, और हमारे यहाँ पे लेट हो जाता है, हर बार लेट हो जाता है, लेकिन इस बार हमने थोड़ा टाइम टू टाइम लगाया फूल का पेड़, ये गेंदे का, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो यार टाइम टू टाइम लगाया है।
और कुछ दिन में फिर मैं डहलिया का पेड़ भी लगा दूंगी, क्योंकि दीदी के घर में है तो दीदी के घर से मैं लेके आऊँगी डहलिया का पेड़। और देखते हैं मेरे मामा के घर में भी डहलिया का पेड़ है ना, वहाँ पे भी है कि नहीं। वहाँ पे होगा तो वहाँ से भी थोड़े बहुत मैं लेके आऊँगी। मेरे घर में पहले बहुत डहलिया का पेड़ था, लेकिन अब एक भी नहीं है, सारे ख़त्म हो गए हैं। कुछ भी ना परमानेंट नहीं रहता है, देखा है? तो दोस्तों, हमने अभी काफ़ी काम कर लिया, थोड़े समय में काफ़ी काम निपटा लिया। हम सोचे थे कि यहाँ पे कब से पानी देंगे, खाद देंगे, तो देखो फाइनली वजह से पॉसिबल हुआ है, नहीं तो ये तो दे भी नहीं रहते। तो अभी चाय पियोगे कि शाम को? तो ना शाम हो गई है, और अभी जो है ना मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ दरी, क्योंकि माधव ना यहाँ पे खेलता है तो शाम के रहने ठंड पड़ जाती है, तो इस वजह से मुझे इसको बिछाना पड़ता है। और इसको ना आज धो दिया था, और इतना अच्छा चमक रहा है ना गाइज, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, इतना सुंदर चमक रहा है। तो ये सोफ़े के अंदर अंदर टक करना पड़ता है, नहीं तो माधव ना पूरा बिगाड़ देता है, इस वजह से टक करना पड़ता है। फिर मैं मुँह वो धो के आ गई, और देखो ये माधव की टी शर्ट से मैं अपना मुँह को पोछ रही हूँ। और फिर जो है मैं थोड़ा सा तैयार हो गई, क्योंकि ना शाम को तैयार होने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत बाहर भी घूमने के लिए जाते हैं, अच्छा लगता है ना। और शाम को ना बहुत सारा काम दाम करके थोड़ा सा मुंह धो के नया बिंदी लगाओ तो ऐसा लगता है कि यार जस्ट अभी नहा के आए हैं। मेरे को दिन में 3-4 बार बिंदी हटाना ही पड़ता है, 2-3 बार तो माधव ख़राब कर देता है, और शाम को तो मैं ही खुद से हटा के कहते हैं लगा देती हूँ। तुम भी लुक तो उठाओ। तो ये ना माधव से हम छिप के खा रहे हैं, क्योंकि हम माधव को जेली नहीं देंगे। और तुम क्या कर रहे हो? नेल पॉलिश? कैंची से क्या कर रहे हो? उंगली काट रहे हो क्या? थिनर नहीं है, खत्म हो गया। तो ये इस तरीके से निकालना पड़ रहा है मुझे, जुगाड़ू। और अभी देखो मैं ना लगा रही हूँ अपने हाथों में नेल पॉलिश, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपने नाखून में नेल पॉलिश लगाया नहीं है, हाथ पैर में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो फिर सोचा कि लगा ही लेते हैं। माधव तो सोया है तो इस बीच हम लोग लगा लेते हैं। और देखो माधव उठ गया है और शैतानी कितना कर रहा है यहाँ पर, जितने भी छोटे छोटे कीड़े हैं ना उनको मार रहा है, बिल्कुल भी डर नहीं है इस लड़के को। हम लोग इतना मना करते हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं सुनता है बात को, और उसको ना गाड़ी से या फिर किसी भी चीज़ से चोट पहुँचाता है। वैसे ऐसा करना देना नहीं चाहिए, लेकिन मानता कहाँ है, वो उल्टा हमें मारता है, बताओ। तो उसकी शैतानी तो ऐसे जारी रहेगी, लेकिन हम क्या करें, कीड़े भी सामने आ जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो चींटी होती है उनको मारता रहता है वो। और कुछ भी कीड़ा मिलता है या तो चप्पल से मारेगा या तो टिफिन से चाप देगा, कुछ ना कुछ करता रहता है। हो चुकी है, शाम के बजे हैं 8, और अभी हमारा डिनर बन रहा है। और माधव क्या कर रहा है? आँख में जलन हो रहा है। आपके भी?